एसीपी ट्रैफिक अरीब अहमद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शहर के दो प्रमुख मुद्दे, आज से नामांकन प्रक्रिया और दो दिन बाद शहर का बड़ा आयोजन अंबेडकर जयंती, इसको लेकर ट्रैफिक का कैसे रूट प्लान तैयार किया गया है, कहां कहां रूट का डायवर्जन किया गया है और किस तरीके से पूरी ड्यूटियां रहेंगी। बैरियर भी हमने चिन्हित किए हैं कलेक्ट्रेट के आसपास, जहाँ बैरियरों पर भी यातायात पुलिस की लगातार ड्यूटी रहेगी। ये सभी ड्यूटियाँ नियमित ड्यूटी के अलावा हैं। इसके अलावा अंबेडकर जयंती में एक वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हर साल यहाँ पर, उसमें यातायात पुलिस की प्रमुख भूमिका रहती है। हमने यातायात डाइवर्जन प्लान जारी करके मीडिया में रिलीज़ भी कर दिया है। जो अंदर का क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार का वाहन नहीं जाएगा। साथ ही जब दो बार यात्रा एमजी रोड को क्रॉस करती है उस समय एमजी रोड का भी डाइवर्जन किया जाएगा। इसके अलावा टेढ़ी बगिया पर एक मेला लगता है, टेढ़ी बगिया के मेले के लिए भी डाइवर्जन प्लान हमने जारी कर दिया है। खंदौली से वाहन उसमें डाइवर्ट किए जाएंगे और लगातार 3 दिनों तक यातायात पुलिस की ड्यूटी वहाँ पर रहेगी। नगला पद्मा और भीम नगरी, ये दोनों भी महत्वपूर्ण आयोजन अगले आने वाले दिनों में होने हैं। नगला पद्मा के मेले के लिए भी यातायात ग्वालियर रोड का डाइवर्ट किया जाएगा, साथ ही भीम नगरी के लिए भी देवरी रोड से यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। इसका डाइवर्जन प्लान ऑलरेडी हमने जारी कर दिया है। हमने लगभग 150 और यातायात पुलिसकर्मी बाहर से मांगे थे, जो हमें प्राप्त हुए हैं। हम सभी की ड्यूटी लगाएंगे और किसी भी तरह की समस्या आने पर हमारा कंट्रोल रूम, जिसका नंबर है 94-54-48-78-86, इस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या बताई जा सकती है, हम समस्या का हल निकालेंगे। अगर हम भगवान टाकीज की ओर बढ़ रहे हैं तो SN मेडिकल कॉलेज, बड़ी संख्या में आगरा के अलावा मरीज वहाँ आते हैं। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, हरी पर्वत चौराहे पर सेंट पीटर सेंट पैट्रिक्स, वहाँ के स्कूल के बच्चे को आवागमन रहता है, तो क्या इस तरीके के बच्चों के लिए या इमरजेंसी वाहन के लिए कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? जी, कोई भी एम्बुलेंस वाला हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम उसको ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, किसी भी रेड लाइट पर उसे रुकना नहीं पड़ेगा, ये हमारा कंट्रोल रूम सुनिश्चित करेगा। साथ ही स्कूलों के समय, छुट्टी के समय जब भीड़ भाड़ बढ़ती है, तो हमने 5 टीमें लगा रखी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जाती हैं स्कूलों के बाहर, और वहाँ ये किसी तरह का यातायात का दबाव बढ़ने पर त्वरित कार्रवाई करती हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि न बच्चों को और न मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा ना झेलनी पड़े। पूरा रूट प्लान तैयार कर लिया गया है, टोल फ्री नंबर को जारी किया गया है, उसके अलावा भी ACP ट्रैफिक अरीब अहमद खुद इसके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था संभाली जा रही है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुल, महाराजा न्यूज, आगरा।